हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इटालियन के कॉन्सोनेंट सीखेंगे, इतालवी व्यंजन। ये जो बुक है अजंता इटालियन इन 2 मंथ्स, ये बुक से ही हम इटालियन के कॉन्सोनेंट सीखेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं इटालियन के कॉन्सोनेंट्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। तो इससे पहले हमने वाउल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। 5 वाउल्स के अलावा जो बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजनों का आज हम उच्चारण सीखेंगे इटालियन के, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट है सी। सी के 2 उच्चारण हो सकते हैं इटालियन में, जहाँ ये च हो सकता है इसका उच्चारण, या क। तो सबसे पहले देखेंगे च किन केसेस में होगा। सी का उच्चारण ई और आई से पहले च होता है, ठीक है। जैसे ये देखो वर्ड है चेंतो। अब चेंतो में ये देखो ई से पहले आ रहा है, तो आपने सी को क्या बोलना है, च बोलना है, ठीक है। चेंतो, चेंतो का मतलब होता है 100 और 100, हिंदी में इसको 100 कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस बुक में इटालियन का वर्ड दिया है, फिर हमने इसका मीनिंग दे दिया, इसका उच्चारण दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद हमने इंग्लिश में इसका मीनिंग दिया है और फिर हिंदी में मीनिंग दिया है, ठीक है। तो ये बुक इसी तरह ही लिखी गई है। तो ई से पहले हमने बोला है च होता है। एक और वो एक इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। चै ले ब्रे। ई जो है लास्ट में हमेशा एक ही साउंड देता है इटालियन में, ठीक है। चेलेब्रे का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। और एक और कंडीशन है, आई से पहले भी जो सी की साउंड होती है वो च होती है। यहाँ पे देखो ई से पहले हो या आई से, ठीक है। तो हम इसको चीबो कहेंगे। चीबो, चीबो का मतलब फूड होता है, भोजन। ची वहां, ठीक है। देयर से एक इसकी साउंड होगी च, दूसरी इसकी साउंड क भी हो सकती है। क किन कंडीशन में होगी, अगर इसके आगे ओ ए या यू आ जाए, फिर सी की साउंड क्या हो जाएगी, क, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल इसका है काने, कानी। सो ये देखो ए से, ए इसके आगे आ रहा है, तो सी को हमने अब च नहीं बोलना, अब हमने इसको सी को क्या बोलना है, क, काने। ई हमेशा लास्ट में एक ही साउंड देता है टेलिंग में, ठीक है। काने, काने का मतलब होता है डॉग। काजा, काजा का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। तो ये जनरल इसकी सी की 2 साउंड होगी। अब हम और आगे इसको एलैबोरेट करते हैं। सी आई की साउंड देखते हैं। सी आई दो अगर इकट्ठा आ जाए सी आई, और उसके इमीडिएटली आप अगर इटालियन में कोई वाउल देखते हैं, ठीक है, सी आई इज फॉलोड बाय अ फर्दर वाउल। अगर सी आई के इमीडिएटली बाद कोई वाउल आ जाए, जैसे सपोज करो ये आई ए आ गया, सी आई के इमीडिएटली बाद ए वाउल आ जाए, कोई भी वाउल आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, या आगे हम देखेंगे यू आ जाए, तो क्या उसने बोला है, द आई लूजेज इट साउंड। हाँ, इस कंडीशन में क्या होगा, जब सी आई के इमीजिएटली बाद कोई वाउल आ जाता है तो आई जो है आई नहीं बोला जाता है, आई आई की साउंड कोई नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे, चा, चा मतलब आई नहीं बोलेंगे इसके बीच, ठीक है। क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक रूल है कि अगर हमें देखो, अगर हम कोई भाषा सीख रहे हैं, अगर हम उसके रूल्स आते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन रूल्स आते हैं, तो हम बहुत इजीली कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं इस लैंग्वेज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन चार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो हम आप सबसे सीखते हैं, सी आई के इमीजिएटली बाद कोई वाउल आ रहा है तो हमने आई को प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे, चा, चा का मतलब, चा की जो ये साउंड आ गई, ठीक है। इसके हम एक आगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। फिर सी आई के बाद ई आ जाए तभी हमने क्या उसको बोलना है, चे, चे। सी आई इमीडिएटली जो आ जाए, अब वो आ गया तो हम उसको बोलेंगे चो, चो, ठीक है। और सी आई यू को क्या बोलेंगे, चू। समझे, देखो हमने आई को नहीं बोला, चा, चे, चो, चू, हमने समय आई को नहीं बोलना, ठीक है। ये रूल है कि सी आई के बाद कोई वाउल आ जाए उसमें आपने आई को नहीं बोलना, ठीक है।
हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, कोई रूल सीखे तो उसका कोई एग्जाम्पल भी सीखना चाहिए साथ भी, वो रूल कैसे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। आ रांचा में हमने क्या किया, आई को नहीं बोला, ठीक है, चा, आरांचा, आरांचा का मतलब होता है ऑरेंज, संतरा। चैलो, चैलो का मतलब क्या होता है, स्काई, आकाश। चोकोलाता, चोकोलाता का मतलब क्या होता है, चॉकलेट, ठीक है। हमने हर एक का एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। चुन मा लिया, लिया जीएल की साउंड अभी हम आज करेंगे, लय होती है। चुन मालिया का मतलब क्या होता है, भीड़, मॉब, ठीक है। हम आगे करते हैं इसको। डबल सी की क्या साउंड होती है इटालियन में, ई और आई से पहले इसको दो बार ही आपने च बोलना है, ठीक है, ई और आई से पहले। जैसे देखो यहाँ पे ई से पहले आ रहा है, तो इसको दो बार ही च बोलेंगे, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट जो होता है इटालियन में, दो बार ही अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको दो बार ही बोलते हैं, ठीक है। हमने देखो हिंदी में इसको देवनागरी में ऐसे लिखा है, अचेंतो, आ चेंतो, अचेंतो। तो इसके नेक्स्ट इमीडिएटली हमने उच्चारण यहाँ पे दे रहे हैं, ये रोमन में दिया है, जो उनके लिए है जो देवनागरी हिंदी या कोई दूसरी जो इंडियन लैंग्वेज है वो नहीं जानते, उसका चार्ट ये उनके लिए है। आप जो है इंडियन जो जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से उच्चारण शुरू शुरू में देख सकते हैं, अचेंतो, ठीक है। अचेंतो का मतलब क्या होता है, एक्सेंट, एक्सेंट मतलब उच्चारण चेंज। तो इटालियन में एक्सेंट्स जो है होते हैं, जैसे एक अक्यूट एक्सेंट होता भी आएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक्सेंट होते चिन्ह होते हैं, उच्चारण चिन्ह, ठीक है। तो ये हमारी एक साउंड होगी डबल सी की, दो बारी च बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाँ ये उच्चारण चिन्ह दिया, देखो एक आ भी दिया, इसको अक्यूट एक्सेंट कहते हैं। देखो ई के ऊपर ऐसे जा रहा है निशान राइट साइड की तरफ, तो ये इसको अक्यूट एक्सेंट कहते हैं, ये एक एक्सेंट है इटालियन में, ठीक है। और इसकी क्या साउंड होती है, ए होती है इसकी साउंड, ठीक है। ज्यादा यही एक मतलब जो एक्सेंट्स के बारे में एक वीडियो सेपरेट से हम बनाएंगे, तो उसमें दिया हुआ है एक्सेंट के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो हम अगली साउंड करते हैं, सी एच की क्या साउंड होती है इटालियन में, क साउंड होती है, ठीक है। सी एच की क्या साउंड है, क। पैर के, पैर के का क्या मतलब होता है, वाई, क्यू, पैर के मतलब क्यू। नेक्स्ट साउंड करते हैं, कॉन्सोनेंट आ गया, जी की साउंड क्या होती है, एज ए लेटर हम इंग्लिश में तो इसको जी कहते हैं, बट हमने शुरू में जैसे आपके साथ चार्ट किया था, देखो एज ए लेटर इसको जी ही कहेंगे, ठीक है। एज ए लेटर जैसे हमने अभी यहाँ पे इटालियन में सी को हम जी कहते हैं, ये एज ए लेटर्स की साउंड की थी हमने शुरू में, ठीक है। इसकी एज ए लेटर जो है जी साउंड है, बट जब वर्ड में यूज होगा, किसी वर्ड में यूज होगा तो ये च भी साउंड ले सकता और क भी साउंड ले सकता है, ठीक है। तो लेटर्स की साउंड ये देखिए, लेटर्स की जो साउंड होती है वो अलग होती है, और एज अ वर्ड में जब यूज होता है तब अलग हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश में भी जैसे आप देखिए सी की साउंड जो है, हम कार भी वर्ड होता है कार, क साउंड भी होती है, और स भी होती है सिनेमा, स भी साउंड होती है, बट एज अ लेटर हम सी को सी बोलते हैं, ठीक है। ओके तो हम आगे देखते हैं, हम जी का उच्चारण सीख रहे थे, तो जी के दो उच्चारण, दो इसके साउंड हैं। जी जो है ज भी साउंड हमें दे सकता है, ग भी साउंड दे सकता है, ठीक है। तो ज कब देगा, जब ये ई और आई से पहले आएगा, ठीक है। तो हमें क्या साउंड देगा, ये ज। हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, जीरो। तो देखो जी के आगे इमीजिएटली क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ जाए या ई आ जाए, तो क्या हमने बोलना है, इसको ज बोलना, जीरो। जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, ट्रिप, यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जेंते, जेंते, जेंते का मतलब पीपल होता है, लोग, ठीक है। यहाँ पे भी जी की साउंड देखो क्या आ रही, ज। क्यों आ रही है, बिकॉज इसके आगे ई आ जाए या आई आ जाए तो रूल क्या होता है, जी की साउंड क्या हो जाती है, ज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी दूसरी साउंड ग भी हो सकती है, ग किन कंडीशंस में होगी, अगर इसके आगे ए, ओ और यू आ जाए तब इसकी साउंड क्या हो जाएगी, ग। इसे एग्जांपल है, गारा, गारा। सो गारा में आप देख सकते हो जी के इमीजिएटली बाद क्या आ रहा है,
ए आ रहा है, ए, ठीक है, आप देखो ना, ए आ रहा है, ए आ जाए, जाए के है, यू आ जाए, तो फिर आपने इसको ऊपर हमने ज सीखा था, फिर अब यहाँ पे इसकी साउंड ग हो जाएगी, ठीक है, गारा, गारा, गारा मीन्स रेस, दौड़, ठीक है। दूसरा ऐसे एग्जाम्पल है गुफो, गुफो का मतलब आउल होता, उल्लू। सो नेक्स्ट साउंड पे आ जाते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं, उसी तरह जैसे सी आई की साउंड हमने सीखी थी, यहाँ पे भी वही रूल है, जी आई के बाद कोई वाउल अगर आ जाता है तो आई को नहीं प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। वेन जी आई इज फॉलोड बाय अ फर्दर वाउल द आई लूजेज इट्स साउंड, ठीक है। सो हम देखते हैं जी जी आई की जो साउंड है, जी आई के इमिजिएटली बाद जैसे ये वाउल आ गया ए, ठीक है। सो हम इसको कैसे प्रनाउंस करेंगे, जा, जी आई ए को कैसे प्रनाउंस करेंगे, जा, ठीक है। आई को नहीं प्रनाउंस करना आपने, क्योंकि जी आई ए में जितनी बात कोई वाउल आ जाए तो फिर हमने वाउल को प्रनाउंस नहीं करना, ठीक है, जा जा। तो जी आई ये होगा, जी आई ए की साउंड क्या होगी, जा। देन है जी आई ई की साउंड, जे, जे। जी आई ओ की साउंड, जो, ठीक है, जो। जी आई यू की साउंड, जू, जू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को नहीं प्रोनाउंस कर रहे, ये रूल है कि जी आई के इमीजिएटली बाद अगर कोई वाउल आ जाए तो हमें आई को प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है। हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखें, जार दीनो, जार दीनो, जार दीनो का मतलब होता है गार्डन। चिली है जे, चीनी है जी, ठीक है। पहला हमने वर्ड क्या किया है, जार दिनो, तो देखो यहाँ पे हम आई को नहीं बोल रहे, ठीक है, जार दिनो का मतलब होता है गार्डन, ठीक है। चीनी है जी, चीनी है जी का मतलब होता है चेरीज, ठीक है, एक प्रकार का फल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जोरना लिस्ता, जोरना लिस्ता इसका मतलब जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार। देन एक और वर्ड देख लेते हैं, जूरा मेंटो, जूरा, देखो उ, जूरा मेंटो, यहाँ पे हम आई नहीं प्रनाउंस कर रहे, जूरा मेंटो का मतलब होता है ओथ, शपथ, आई को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे साउंड होगी, जा, जे, जो, जू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डबल जी की साउंड क्या होगी, दो बारी आपने ज को प्रनाउंस कर लिया, ज, ई और आई से पहले इसकी साउंड क्या हो जाएगी, ज। जैसे एग्जांपल देखें, उजी, उजी, उजी भी देखो दो बारी ज बोल रहे हैं हम, उजी, उजी का मतलब टुडे, आज, ठीक है। जी एच की क्या साउंड होगी, इटालियन में ग होगी, जी एच के क्या, जी एच हमें क्या साउंड देता है, ग साउंड देता है, ठीक है। गिर लांदा, गिर लांदा, गिर लांदा का मतलब गालंड होता है, हार, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जी एल आई की साउंड क्या होती है इटैलियन में, लली भी हो सकती है, लही भी हो सकती है, ठीक है। सो जी एल आई की क्या साउंड है, लही साउंड, लही, ठीक है, लही। बो तीलिया, बो तीलिया, ठीक है, बो तीलिया का मतलब क्या होता है, बोतल, बोतल। फा मिलिया, फा मिलिया, फामिलिया का मतलब होता है फैमिली, परिवार। तो जी एल आई को हमने कैसे प्रनाउंस करना है, लही की तरह, लही, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जी एन की साउंड करते हैं इटालियन में, जी एन की साउंड क्या होती है, नय होती है, नय, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बानियो, बानियो का मतलब होता है, बानियो मतलब स्नान, बाथ, बाथ, स्नान, ठीक है। जी यू की साउंड क्या होती है इटालियन में, गव, गव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, गवर्रा, गवर्रा, ठीक
ये दो बारी आर आ रहा है, इसको अपने ट्रिल करके बोलना है, मतलब दो बारी बोलना है इसको, ठीक है। गवर्रा, गवर्रा का मतलब वॉर होता है, युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एच की साउंड क्या होती है, इसका कोई साउंड नहीं है, ठीक है। एज अ लेटर तो इसको हमने किया था शुरू में, एज अ लेटर मैंने पहले भी आपको बोला था कि वो साउंड आपने एज अ लेटर सीख रहे हैं, जैसे एच को हम आका कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट वो एज ए जब आपने यूज करना है इसको, वर्ड्स में जब आप यूज करेंगे फिर कोई साउंड नहीं है इसकी, ठीक है। जब कोई वर्ड में यूज कर रहे हैं, जब कोई वर्ड में, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है आ, यहाँ पे एच की कोई साउंड नहीं है, ठीक है। एज ए लेटर हमने सीखी है, आका कहते हैं इसको, बट जब हम वर्ड में यूज कर रहे हैं फिर कोई साउंड नहीं है इसकी, ठीक है। तो आ का मतलब क्या होता है, ही हैज, उसके पास है, ठीक है। क्यू यू की साउंड क्या होती है इटालियन में, क्यू यू की, कू, कू, ठीक है। पहला वर्ड है यहाँ पर कुई, कुई, कुई मतलब हेयर, यहाँ, ठीक है। दूसरा है क्वेस्टो, क्वेस्टो, क्वेस्टो का मतलब दिस होता है, ये है, ये है, ठीक है। क्यू यू को हमें क्या साउंड देता है, कू की साउंड देता है, कू। सो आर की क्या साउंड होती है, इसको थोड़ा सा ना हमें ट्रिल करके बोलना होता है, जैसे ट्रिल होता है, जैसे कम कपी की आवाज होती है। तो ये बेटर रहेगा कि हम किसी ऑनलाइन जब हम जाते हैं डिक्शनरी पर, वहां पर इसका हमने आपको पीछे लिंक पर बताया था, विकिशनरी जो साइट है उसके ऊपर जाके वो वर्ड को हम इटालियन स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं, ठीक है। तो टिप ऑफ द टंग से ये प्रनाउंस होगा, ऐसे लगेगा कि जीभ की जो बिल्कुल शुरुआती जो है वहां से र बोला जा रहा है, ठीक है। तो रारो, रारो का मतलब रेयर होता है, दुर्लभ। कारो, कारो का मतलब डियर, प्यारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एस की साउंड क्या होती है, एस की दो साउंड हो सकते हैं, स भी हो सकता है इसका उच्चारण, और ज भी इसका साउंड हो सकती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, पहली जो इसकी साउंड स कब होगी, डबल कॉन्सोनेंट से पहले, मतलब इसके आगे दो व्यंजन आ जाए, जैसे ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो हमने इसको क्या बोलना है, स बोलना है, स, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए या शब्दों के शुरू में, शब्दों के शुरू में भी हो तभी इसको स ही बोलते हैं, जैसे स्त्रादा, स्त्रादा का मतलब रोड होता है, सड़क। सेसो शुरू में आ रहा है, स, सेसो मीन्स जेंडर, किसी का जेंडर कोई मेल है और फीमेल है तो हम देते हैं सेसो, सेसो। नेक्स्ट इसको और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, सो एस की साउंड उसने बोला है, एस इज प्रोनाउंस सर, सर किन कंडीशंस में होगा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, ये वाले कॉन्सोनेंट्स के आगे एस को हमने सर की तरह बोलना है, ठीक है। जैसे पी आ गया, ये वाले कॉन्सोनेंट्स है, पी, टी, एफ, सी और क्यू यू, तब आपने इसको सर बोलना है, जैसे पी के आगे आ गया तभी सर बोल रहे हैं। स्पेसो, स्पेसो का मतलब होता है ऑफन, अक्सर। स्टोमाको, यहाँ पे टीके देखो, टीके आगे आ गया, स्टोमाको का मतलब होता है स्टमक। सफोर्टुनातो, सफोर्टुनातो का मतलब होता है अनलकी, ठीक है। स्कार्पा, स्कार्पा ये देखो सी के आगे आ गया तभी इसको क्या बोलना है, स बोलना है इसको। स्कार्पा का मतलब शू होता है, जूता। तो लास्ट है स्क्वालो, देखो क्यू यू के आगे आ गया तभी स बोलना है। स्क्वालो का मतलब शार्क, ये एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। तो एस की साउंड स कब होगी, इन कॉन्सोनेंट्स के आगे, पी, टी, एफ, सी, क्यू यू। देन एस की साउंड ज भी हो सकती है, किन कंडीशंस में होगी ज, जब ये किसी वाउल्स के बीच में आ जाए, तो हमने इसको ज की तरह प्रनाउंस कर लिया, ठीक है। जैसे है का जा, काजा, काजा का मतलब होता है घर, देखो ये वाउल्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हमें इसको ज अनाउंस करना है। देन है फ्राजे, फ्राजे, फ्राजे का मतलब फ्रेज होता है, वाक्य। ओके,
साउंड जो स की ज किन कंडीशन में होगी, जब इसके आगे ये वाले कॉन्सोनेंट्स आ जाएं, बी आ जाए, डी जी एल एम एन आर और वी, इनके आगे जब एस, इनसे जब पहले एस होगा तो आपने इनको ज बोलना, जैसे इमीडिएटली देखो बी आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे, जबादातो। जबादातो का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। अब अगेन डी आ गया, जदेन तातो, ज बोलेंगे जदेन तातो। ये थोड़ा हाई लेवल है, जैसे आप जैसे कह सकते हो बहुत डीपली कोई करना चाहता हो तो वो इस पॉइंट को पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ही बिगनर है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं शुरू में, ठीक है। दो साउंड्स आप कर सकते हैं मेन, जैसे आप हमने सीखी है पहली साउंड इसकी स और ज, ठीक है। नोट्स को अगर आप किसी को डिफिकल्ट लग रहा है अभी नोट, तो अभी शुरू में उसको स्किप किया जा सकता है, क्योंकि तो हर एक का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो ये आप इसको ये थोड़ी नोट को स्किप भी कर सकते हैं शुरू शुरू में, ठीक है। थोड़ा सा जब आप इसके साथ फेमिलियर हो जाए इस लैंग्वेज के साथ, तो फिर इसको नोट को दोबारा से फिर से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, रूल आप सीख सकते हैं, जब भी आप एस के आगे अगर ये सारे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो हमने एस को ज बोल रहे हैं, ठीक है। जदेन तातो टूथलेस, मतलब जिस दांत के बिना, मतलब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी है, एस के साथ ज है। जगार बातो, जगार बातो इम्पोलाइट, रूखा रूखा, ठीक है। जमा ग्रीरे, देखो एस के बाद एम आ गया, मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगे भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो आपने वहां पे इन रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है। जमा ग्रीरे का मतलब होता है टू थिन, इस चीज को पतला करना, ठीक है। जवे देजे, देखो पहला ज तो बोल रहे हैं, दूसरा भी ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वाउल्स के बीच में आ रहा है, जवे देजे। तो ये बुक बहुत ही इजी लैंग्वेज, इजी इसको लिखा गया है ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। हमारी जो बुक है अजंता इटालियन इन 2 मंथ्स, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अगर आप इटालियन भाषा सीख रहे हैं, और आपने अपने फ्रेंड्स को भी इसको आगे सजेस्ट कर सकते हैं जो इटालियन भाषा सीख रहे हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, अप टू A2 लेवल कह सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी। A2 लेवल के लिए जो A2 का एग्जाम होता है एम्बेसी कंडक्ट करती है, और दिल्ली में होता है एग्जाम चिल्स टू जिसको कहते हैं आ उनो, उसके लिए और आ दुए के लिए भी हो सकता है। A1 A2 के लिए आप इसको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये बुक, ठीक है। तो इसकी हम साउंड कर रहे थे जवे देजे, जवे देजे का क्या मतलब होता है, स्वीडिश लैंग्वेज, ये भाषा है स्वीडिश भाषा, ठीक है। नेक्स्ट साउंड करते हैं एसी की साउंड। एसी की साउंड श भी हो सकती है और स क भी हो सकती है। तो श श किन केसेस में होगी, एसी के इमीडिएटली आगे ई या आई आ जाए तो हमने इसको श बोलना है, ठीक है। शेलता, शेलता, शेलता का मतलब चॉइस होता है, चॉइस, ठीक है। शीलता चॉइस, चुनाव। शिमिया, शिमिया, देखो ऐसी के में जितनी बार आई आ रहा है तो श बोलना है इसने, आपने इसको शिमिया, दो बारी म आ गया, शिमिया, शिमिया मतलब मंकी, बंदर, ठीक है। ऐसी के इमीडिएटली बाद ए ओ और यू आ जाए तो हमने क्या बोलना है, स्क, ठीक है। हमने ऐसी की साउंड दूसरी क्या होगी, स्क होगी। पहली क्या है, श, ई और आई से पहले क्या होगी, श, ए और यू, ओ और यू से पहले क्या हो जाएगी, स्क हो जाएगी, स्क, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, स्काला, स्काला, स्काला का मतलब स्टेयर केस होता है, ठीक है। स्कोंटो, स्कोंटो का मतलब डिस्काउंट, कटौती। स्कोला, यूओ जो डिफ्थोंग है ये आगे हम इसका वीडियो बनाएंगे, ओ, यूओ को क्या बोलना है, ओ। स्कोला, स्कोला का मतलब होता है स्कूल, पाठशाला। स्कोलारो, स्कोलारो, प्यूपल, शिष्य, ठीक है।
तो नोट अगेन मैं कहूंगी इसके थोड़ा सा अगर किसी को डिफिकल्ट लगे तो शुरू में वो स्किप कर सकता है, और अगर वो समझ सकता है, उसको समझ आ रही है, तो वो ये इसके साउंड ये डीपली और डीप हो जाएगा। जैसे शुरुआत में दो ही साउंड जाननी जरूरी है, कि ऐसे की दो साउंड होती है, श होती है और स्क होती है। थोड़ा डीपली कोई पढ़ना चाहता है तो वो ये इसकी साउंड को ऐसे देख सकता है कि क्लस्टर जब SCI आ जाते हैं, ठीक है, क्लस्टर मतलब इकट्ठे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, इकट्ठे इकट्ठा आ जाता है जब इनका, तो इसके इमीजिएटली बाद कोई वाउल आ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होएगा, द साउंड ऑफ आई इज लॉस्ट, यहाँ पे आई नहीं बोलना आपको, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये देखिए, शा शे शो और शु, देखो हमने इसको लिखा है, SCIE को क्या बोलेंगे, शा, SCIE को शे, SCIO को शो और SCIU को शु, ठीक है। फिर हमने आगे के एग्जाम्पल दिए, शागुरा, शागुरा का मतलब होता है डिजास्टर, तबाही, ब्रैकेट में हमने इसका देवनागरी में उच्चारण भी दे दिया, शुरू शुरू में इटालियन जब आप सीख रहे हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। शेंटिफिको, शेंटिफिको साइंटिफिक, शोकातो, शोकातो शोक, आशुतो, आशुतो ड्राई सूखा, आशुतो, हाँ। तो यहाँ पे ऐसी आई के इमीडिएट बाद क्या आ गया, यू आ गया, तो आई नहीं बोलना, शु, आई आई की साउंड खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम एक और साउंड सीखते हैं आज, SCH की साउंड क्या होती है इटालियन में, स्क होती है, स्क, ठीक है। SCH को क्या बोलना आपने, स्क, जैसे एग्जांपल है स्कियावो, स्कियावो का मतलब होता है स्लेव, गुलाम, ठीक है। फिर एक और लास्ट साउंड कर लेते हैं, एक और इसके जेड के बाद एक और भी है, ज, जेड की क्या साउंड है, ज, शब्दों के शुरू में इसको ज ही बोलना है, जैसे शब्द के शुरू में जेड आ जाए तो क्या बोलना आपने इसको, ज। एग्जांपल है इसका जेलो, जेलो, जेलो का मतलब जील होता है, उत्साह, ठीक है। और जेड की जो है कुछ अक्षरों में इसका उच्चारण तज भी हो सकता है, तज, ठीक है। तेत्सो, तेत्सो, तेत्सो का मतलब थर्ड होता है, तीसरा, ठीक है। वैसे इसके उच्चारण तो ज ही रहेगा, शब्द के बिगिनिंग में अगर किसी वर्ड के शुरू में आ जाए तो ज बोलना है, कुछ कुछ वर्ड्स में इसका उच्चारण तज भी हो सकता है। सो हर लैंग्वेज में डायलेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे सपोज करें हिंदी जो है एक एरिया में जो हिंदी बोली जाती है और दूसरे एरिया में उसमें फर्क आ जाता है, इवन इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरह इटालियन में भी जो डायलेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप वहां देख, आप वहां से देख सकते हैं, अगर आप इटली के वहां पर रेजिडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पे कौन सा जो है वो है प्रनाउंस हो रहा है, ठीक है, कौन सी साउंड प्रेफर हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए यही वर्ड है, इसको कुछ एरियाज में प्रांसो भी कह देते हैं, अगर ये जो जेड की साउंड यहाँ तस भी हो जाती है कुछ कुछ एरियाज में, और कुछ एरियाज में तज भी कह देते हैं, तो प्रांसो और प्रांजो दोनों ठीक है। तो जेड की कितनी साउंड होगी, शुरुआत में ज हो सकती है और जनरली मिडिल ऑफ द वर्ड्स में तस भी हो सकती है और तज भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। जैसे आपने चेक करना है, मैं आपको डिक्शनरी का बता देती हूँ, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था विकिशनरी, वहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी वर्ड आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखना चाहें भी इटालियन में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज इटालियन स्पीकर्स अगर की साउंड सुनेंगे तो ऑब्वियसली बेटर होगा, बिकॉज वो उसकी मेटर्नल लैंग्वेज है और वो जो प्रोनाउंस करेगा ऑब्वियसली उसका जो एक्सेंट होगा वो एक बेटर होगा एक इंडियन जो जो है सिखा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी मदर टंग है। तो हमेशा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप उस साइट पे जाके, ये विकिशनरी बहुत अच्छी साइट है, WIKTIONARY.org, जब आप ये खोलेंगे
ये है साइट WIKTION AR Y .org। ठीक है, तो आप खोलेंगे इसको तो साथ में एक ये सर्च बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे आप जैसे ये वर्ड लिख ले तो ये वर्ड किन लैंग्वेजेस में पाया जाता है वो भी आ जाएगा। अभी जब हम सर्च करेंगे इसको तो ये इटालियन में पाया जाता है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में देखो मैंने आपको अभी बताया था तिजर्वी है और तिसर्वी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ IPA, IPA का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो जब सारे जो दुनिया के लोग हैं वो कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, वो चार्ट होता है इसका इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अगर वो चार्ट को सीख लेते हैं, जैसे हमने अपनी बुक में देवनागरी का यूज हिंदी में आपको चार्ट दे रहे हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो ये जब वो चार्ट सीख लेते हैं तो वो उस चार्ट के साथ ये देख लेते हैं कि हेल्पफुल होता है प्रोनाउंस करने में। ठीक है, ये यहाँ फोनेटिक्स में लिखा हुआ है, ये तज़ साउंड है, तसर्वी थी। तो आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं, तसर के साथ सुने, या फिर आप क्लिक करेंगे तो इसको सुन भी सकते हैं। इटालियन स्पीकर जो है वो इसको प्रोनाउंस करेगा वर्ड को, और इसका मीनिंग देखना हो तो प्रांसो दोनों लंच भी हो सकता है और डिनर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग भी साथ में आ जाएगा। तो ये हमारे आज हमने जेड का किया है। आगे नोट में थोड़ा इसको डिटेल में है, वो हम अभी नहीं करेंगे इसको डिटेल में, और इलाबोरेट किया है कि किन किन केसेस में तस आएगा और किन किन केसेस में ज आएगा। ठीक है, और डिटेल में अभी हम नहीं करेंगे। तो बिगनर्स के लिए अभी शुरुआत में इतना मतलब बहुत ही ब्रीफ में मेरे ख्याल से जरूरी है। ठीक है, तो अब हम एक और साउंड लास्ट इसकी एक और साउंड कर लेते हैं इटालियन की, डबल जेड कॉन्सोनेंट। दो बारी अगर ज आ जाए तभी आपने तसव बोलना। ठीक है, और ये जनरली शुरू में आएगा, शुरू में। ठीक है, सॉरी, शुरू में कहने प्राय का मतलब होता है अक्सर, ऑफन, सॉरी, अक्सर इसकी साउंड शुरू में अक्सर इसकी साउंड तस होती है, तसव। ठीक है, ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर होती है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। पेक्सा, पेक्सा, पेक्सा का मतलब होता है पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, तो मेन जनरली साउंड क्या होती है, अक्सर तस होती है, कुछ कंडीशंस में इसकी भी तज़ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मेज़ो, मेज़ो, मेज़ो का मतलब हाफ होता है, आधा, और एक और मतलब होता है मिडल, मध्य, बीच में। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, दोजीना, 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 दोजीना का मतलब डजन होता है, दर्जन। ठीक है, तो ये हमारे इटालियन के कॉन्सोनेंट्स थे। तो हम आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ग्रामर के, इटालियन के, जैसे डिफ्थॉन्ग्स है, और फिर ग्रामर के टॉपिक्स में डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल आगे हम अपलोड करते रहेंगे। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका उसमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन और उसके साथ साथ ग्रामर, तो ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।